हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल पप्स टू प्लांट। आज मैं फिर व्यूअर की डिमांड पर करी लीफ पर कंप्लीट केयर की वीडियो लेकर आई हूँ। अगर आपका कड़ी पत्ता भी पूरा ख़राब हो जाता है, सूख जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपने एंड तक ये वीडियो देख ली तो आपको इसके बारे में सब पता चल जाएगा और आपका कड़ी पत्ता भी इससे भी अच्छी तरह से ग्रो करेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको फ्लैशबैक में लेकर जाना चाहती हूँ और दिखाना चाहती हूँ मेरा कड़ी पत्ता कैसा था। इस क्लिप में मेरे तीनों कड़ी पत्ते मैंने आपको दिखाए हैं। इसकी लीव्स येलो होकर या ब्राउन होकर गिरने लगी थी। सर्दियों के बाद हमारा कड़ी पत्ता ऐसा ही हो जाता है, तो हमें अपने कड़ी पत्ते को अच्छे से कट कर लेना है। कट करने के बाद जो स्टेम निकलती है उसे भी आप प्रोपोगेट कर सकते हैं, और अपना जो मेन प्लांट है उसके अंदर अब हमें फर्टिलाइज़र देना है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है। अगर आप फर्टिलाइज़र नहीं देंगे तो प्लांट के अंदर एनर्जी बिल्कुल भी नहीं आएगी और वो ग्रो नहीं कर पाएगा। फर्टिलाइज़र देने के बाद आपको अपने प्लांट को छाया में रखना है, क्योंकि फर्टिलाइज़ करने के बाद थोड़ी गर्माश आती है मिट्टी में, और अगर आप धूप में रख देंगे तो प्लांट जल भी सकता है। इसलिए अब उसे शेड में रख दें जहाँ वो अपनी एनर्जी फिर से लेकर आ पाए। अब देखिए 2 महीने के बाद मेरे तीनों कड़ी पत्ते की ग्रोथ कितनी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। ये कड़ी पत्ता देखिए, इसने नीचे से अपनी एक स्टेम निकाल ली है और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही है। अब हम बात करते हैं कि इसकी केयर कैसे करनी है। सबसे पहला पॉइंट आता है सॉइल प्रिपरेशन। इसकी सॉइल प्रिपेयर करते टाइम 50% अपनी गार्डन की सॉइल लें, 20% कंपोस्ट और 30% सैंड। सैंड ज़्यादा इसलिए मिलानी है क्योंकि इसको अपनी मिट्टी भुरभुरी चाहिए, सख्त मिट्टी में ना लगाएं। सख्त मिट्टी में कड़ी पत्ता अच्छे से ग्रो नहीं करता, और अगर आप भुरभुरी मिट्टी बनाते हैं तो इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होगी। सेकंड पॉइंट आता है पॉट सिलेक्शन। पॉट सिलेक्ट करते टाइम आप देखें कि आपका प्लांट कितना ज़्यादा बड़ा है। ये प्लांट मेरा 3 साल पुराना है और इसकी हाइट बहुत अच्छी थी, पर मैंने कट कर दिया था। मैं कट करके इसको मेंटेन करके रखती हूँ। ये पहले 10 इंचेस के पॉट में लगा था, पर अब मैंने इसे 14 इंचेस के पॉट में ट्रांसफ़र कर दिया है, क्योंकि एक ट्री की फॉर्म ले लेता है तो ट्री को बढ़ने के लिए जगह भी चाहिए होती है। और आप इसे देखें तो ये एक पॉलीथिन में लगा हुआ है और ये प्लांट 10 इंचेस की पॉट के अंदर लगा हुआ है। अभी ये ज़्यादा पुराना नहीं है इसलिए मैंने इसे इसके अंदर ट्रांसफ़र किया है, क्योंकि अभी धीरे धीरे ये बढ़ेगा, उसके बाद ही इसका मैं पॉट चेंज करूँगी। तो आप भी एकदम से बड़ा पॉट ना लें, प्लांट को देखें, ज़्यादा पुराना प्लांट है तो उसका पॉट बड़ा लें। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसका ग्रोइंग सीज़न क्या है। कड़ी पत्ता फरवरी से लेके अक्टूबर के बीच में बहुत अच्छे से ग्रो करता है, क्योंकि उस टाइम पर जो टेम्परेचर है वो गर्म रहता है। लेकिन जैसे ही सर्दियाँ आने लगती हैं इसकी ग्रोथ रुक जाती है, डॉर्मेंट हो जाता है, और आप देखेंगे कि इसकी पत्तियाँ ब्राउन होकर गिरने लगी हैं। ये प्लांट बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं झेल पाता। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर वीडियोस अच्छी लगती हों तो लाइक करें बिना बिल्कुल भी ना जाएं, और अगर आपको हेल्पफुल लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी शेयर करें। नेक्स्ट पॉइंट है वाटरिंग। अगर आपके प्लांट की मिट्टी गीली है तो बिल्कुल भी पानी ना दें। अगर ऊपर की लेयर सूख चुकी है तो ही इसे पानी दें। बार बार पानी देने से रूट्स गल जाएंगी, ग्रोथ भी नहीं होगी इस प्लांट की, इसलिए पानी का आप बिल्कुल ध्यान रखें। अब बात करते हैं इसे फर्टिलाइज़ किस तरह से करना है। फरवरी में आप एक बार अपने प्लांट को सॉलिड कंपोस्ट दे दें। मैंने भी अपने प्लांट को सॉलिड कंपोस्ट दे दी थी जब मैंने इसको कट किया था, ट्रिम किया था। अब लेकिन सॉलिड कंपोस्ट नहीं दूंगी, अब इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र दूंगी। तो फरवरी में एक बार सॉलिड कंपोस्ट, उसके बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र आप इसको देते रहें, उससे इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र कम भी देंगे तो भी अच्छे से ग्रो करता है। ये बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं मांगता प्लांट। अब बात करते हैं इसकी सनलाइट रिक्वायरमेंट की। तो कड़ी पत्ते को समर्स में आप फुल सनलाइट में ना रखें। रेनी सीज़न में अगर आप रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेनी सीज़न में तेज़ नहीं होती है धूप इतनी ज़्यादा, तो ये झेल लेता है। लेकिन गर्मियों में अगर आप फुल डे सनलाइट में रखेंगे तो उसकी पत्तियाँ जलने लगेंगी। इसे हाफ डे सनलाइट में रखें, बिल्कुल छाया में भी ना रखें और बिल्कुल धूप में भी ना रखें। ऐसी जगह रखें जहाँ इसके बाद थोड़ी देर की धूप पड़े और थोड़ी देर छाया रहे, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। अगर आप मॉर्निंग की 1-2 घंटे की धूप और शाम की 1-2 घंटे की धूप इसे देते हैं तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसकी प्रोपगेशन। कड़ी पत्ता 2 तरह से आप प्रोपगेट कर सकते हैं, या तो स्टेम से या सीड से। इस प्लांट के अंदर सीड्स डेवलप होते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपने अपना प्लांट
पॉट के अंदर लगाया है तो उसके सीड्स डेवलप ना होने दें, क्योंकि पॉट के अंदर इतनी ताकत नहीं होती, इतनी स्पेस नहीं होती कि वो सीड्स बड़े हो जाए और फिर नया प्लांट उनसे बन पाए। अगर आपके पॉट के अंदर सीड्स आएंगे भी तो उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी कि नया प्लांट बन जाए, इसलिए सीड्स डेवलप ना होने दें, उन्हें कट कर दें। दूसरा मेथड होता है स्टेम कटिंग। आप अपने प्लांट की जब कटिंग करते हैं फेब्रुअरी में या रेनी सीजन में, तब इसकी आप कटिंग लगा सकते हैं, क्योंकि इन दोनों सीजन में ही कटिंग जल्दी से ग्रो करती है। अदर किसी सीज़न में अगर आप ग्रो करेंगे तो ये प्लांट जल्दी से अपनी रूट्स डेवलप नहीं कर पाएगा। रेनी सीज़न में मॉइस्चर होता है तो इसकी कटिंग आराम से लग जाएगी, तो रेनी सीज़न में आप ज़रूर कोशिश करें इसकी कटिंग कहीं से ले आए और इसे ग्रो कर लें। अब बात करते हैं इसकी इन्फेस्टेशन पर। कड़ी पत्ते पर जल्दी से इंसेक्ट्स अटैक नहीं करते, आप इसकी पत्तियों को वॉश करें अगर इंसेक्ट लग भी गया है तो, नहीं तो छाछ का स्प्रे कर सकते हैं, वो इसकी ग्रोथ भी इंक्रीज़ करेगा और इंसेक्ट्स को भी हटा देगा। लास्ट में मैं एक टिप आपको देना चाहूँगी, कड़ी पत्ते को आप जब भी हार्वेस्ट करें तो हमेशा उसकी टिप को हार्वेस्ट करें, कभी भी उसकी नीचे की पत्तियाँ ना निकालें। पहले मैं भी नीचे की पत्तियाँ निकाला करती थी, ऐसे लगता था कि ये पुरानी हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी तो पहले हार्वेस्ट कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। पुरानी पत्तियाँ आप हार्वेस्ट ना करें बल्कि टिप हार्वेस्ट करें। टिप में नई पत्तियाँ होती हैं जिसके अंदर फ्रेग्रेंस ज़्यादा होती है, और आप टिप हार्वेस्ट करेंगे तो इसकी नई नई ब्रांचेस निकलेंगी और आपका कड़ी पत्ता और भी ज़्यादा बुशी और हेल्दी हो जाएगा, कभी भी उसकी ग्रोथ कम नहीं होगी अगर आप टिप हार्वेस्ट करेंगे तो। कड़ी पत्ते पर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अभी लाइक करें, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा मुझे पूरा यकीन है, और हेल्पफुल लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।